दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे जो विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा और प्रमोशन को लेकर जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई उसके बारे में। चलिए बिना देरी के वीडियो में जो अपडेट आई वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आप तक टाइम टू टाइम प्रोवाइड ही करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते पहले कौन सी अपडेट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके विश्वविद्यालय से ये अपडेट नहीं होगी तो वीडियो के लास्ट में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखा करिए, ठीक है, जिससे कोई अपडेट आएगी आप तक प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि राज्य विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष में सभी, द्वितीय वर्ष में सिर्फ बीकॉम के छात्र होंगे प्रोन्नत। ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, कल शाम को रिलीज हुई है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं आज आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लगभग 16 से 18 घंटे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत में या फिर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने परीक्षा में छात्रों को ए टू जेड प्रमोट कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को ही प्रमोट किया है, चाहे बीए को चाहे बीएससी को हो, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि प्रथम वर्ष में सभी छात्र प्रमोट होंगे और जो द्वितीय वर्ष हैं उसमें सिर्फ बीकॉम वाले ही प्रमोट होंगे, यानी कि बीए और बीएससी वाले छात्र नहीं प्रमोट होंगे, द्वितीय वर्ष वाले सिर्फ बीकॉम वाले प्रमोट होंगे, ठीक है, द्वितीय वाले प्रमोट होंगे द्वितीय वर्ष वाले, और बीए फर्स्ट, बीए और बीएससी वाले सेकेंड ईयर वाले नहीं प्रमोट होंगे, ठीक है, और फाइनल ईयर की परीक्षाएँ कराई जाएंगी, ऐसी अनाउंसमेंट कर रही ये यूनिवर्सिटी। अब आप खुद ही देख लीजिए, सभी यूनिवर्सिटी के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, जो भी अपडेट कर देते हैं यूनिवर्सिटी हम आप तक प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोग घर बैठे अपडेट रहें। और मैं आपको ये बता दूं जो यूनिवर्सिटी अपडेट निकालती है उसको हमें हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बाद में यही होगा कि छात्रों को या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज छात्रों को फेल कर देगी। तो आप लोगों को इनकी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर आप छात्र का संगठन हो और वो पूरा जोर लगाए जिससे जो छात्र हैं उनकी परीक्षा कराने की बात कही जा रही है वो उनको प्रमोट कराने की मांग करें, तो ऐसे में हो सकती है प्रमोशन। लेकिन ऐसे में जब यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ कराने की बात करा रही है तो उसके रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग को एग्ज़ाम के लिए तैयार होना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हम जो परीक्षाएं हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर को तो प्रमोट कर देंगे, जो सेकेंड ईयर बीए और बीएससी वालों को नहीं करेंगे, बीकॉम को कर देंगे, तो जो बीए, बीएससी सेकेंड ईयर हैं और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की उनकी परीक्षाएं होंगी अंतिम वर्ष वाले, उनकी परीक्षाएं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में कराएंगे, अभी डेट कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर वाले हैं बीए, बीएससी वाले उनकी जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट कराई जाएंगी, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। और जो जुलाई और अगस्त में जो परीक्षाएं होंगी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों की वो ओएमआर बेस पे होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसे आप लोगों को टिक करना होगा, ठीक है। और परीक्षाएँ जो हैं वो आप सभी के डेढ़ घंटे के अंदर करा ली जाएंगी, यानी कि डेढ़ घंटे का आप लोगों का समय मिलेगा अंतिम वर्ष वाले छात्रों को। तो ये सबसे बड़े अनाउंसमेंट थी जो कि मुझे लगा आप तक प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ ये जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो अपडेट आ रही वो है प्रोफेसर, आप कह सकते हैं कि राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष में सिर्फ बीकॉम के छात्रों को ही प्रमोट करेगा, यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की ओर से ही सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसी के रूल्स को फॉलो करें और वो भी अपनी यूनिवर्सिटी में इसी तरह के जो रूल्स नियम हैं वो लगाएँ, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो छात्रों को प्रमोट भी कर रही हैं, आपको मैंने उसके लिए वीडियो भी बना के अपडेट भी किया है। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी, जिस भी छात्र के आप यूनिवर्सिटी हैं उसी के अकॉर्डिंग, जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी जारी कर रखिए, प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोट मानिए, परीक्षाएँ करा रहे हैं तो परीक्षाएँ दीजिए, ठीक है, मेरी यही राय है आप लोगों से। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन मिले या फिर परीक्षाएँ हों, तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, अपडेट आएगी वो आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।